भैया कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? झूले। क्या है ये? कैमरा है, यूट्यूब। ये देखो, हेलो। वो तो फट जाएगा ना। थैंक यू बोलो। थैंक यू भैया, हेलो, थैंक यू। चलो फिर देखते हैं जिस्पा के लिए, क्योंकि वहाँ पे कैंपिंग है, तो देखता हूँ मिलता है या नहीं। भैया भैया कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जिस्पा तक छोड़ दोगे? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो फाइनली भैया ने अभी ऊपर से उतरा तो भैया मिले, भैया ने लिफ्ट दिया। भैया आपका नाम? क्या? भूषण कुमार। भूषण कुमार। अच्छा, भूषण कुमार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिस पर, आप कहाँ जा रहे हो? हम तो लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख? लद्दाख जा रहे हैं भैया। मैं जिस पर मैं कैंप करूँगा, फिर देखता हूँ, कल निकलूँगा लद्दाख के लिए, फिर मिलते हैं भैया। थैंक यू। फाइनली वी आर इन जिस्पा। सो बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है, द व्यू इज मेस्मराइजिंग। एंड ट्रक वाले भैया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ा है। ये देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये व्यूज, झूले। ये कैमरा है, यूट्यूब। ये देखो, ये क्या है आपको नहीं पता? बस ऐसे ही यहाँ स्टोन्स वगैरह रखे हुए। अभी मैं कैंपिंग का ढूंढ रहा हूँ, कैंप कहीं मिल जाता ना, कैंप है मेरे पास, कहीं भी कर लूँगा। इन लोग से पूछूँ, आप कहाँ से हो? किमूर की। किमूर? अच्छा, और चाहिए? और चाहिए चॉकलेट? है, उनको दे रहा हूँ, चॉकलेट ढूंढना पड़ेगा यार। तो अभी आप लोग पैदल कहाँ जा रहे हो? कोई तो मुर्की से गाड़ी रुकते नहीं, गाड़ी रुका है। मैं तो लिफ्ट लेके आ रहा हूँ। आप दे तो दे ना, नहीं रुकते ही नहीं, नहीं रुकते। ये लो, आप भी लो, ये लो, आप भी खाओ, लो खा लो, वो तो फट जाएगा ना। थैंक यू बोलो। थैंक यू भैया, हेलो, थैंक यू। बिना गाड़ी रोका रखता ही नहीं। टेंट बना हुआ है, ये सब तो पेड़ है। इसका कितना चार्ज है? ये है आपका
तीन बेड है। हाँ, सिंगल पर्सन के लिए जैसे हम लोग हैं तो सिंगल पर्सन के लिए तो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग तीन लोगों के लिए 2500 2800 का लगाते हैं नॉर्मल डेज में। हाँ, हाँ, वीकेंड्स हाँ। में थोड़ा हाई रेट रहता है। तो ये मेरे को तंजन भैया मिले हैं, यहाँ पे मैं कैंप अभी पिच करने वाला भैया से बोला हूँ रिक्वेस्ट करके, तो मतलब चार्जिंग तो ले रहे, खैर कोई नहीं, वो तो नॉर्मल है, तो वहाँ पे कर लूँ ना भैया पिच। कॉटेज है, कॉटेज दो लोगों के लिए 2200 एक्चुअली हम सिंगल सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सिंगल है। हाँ, तो उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ज्यादा हम लोग 70 है, या मेरे पास स्लीपिंग बैग भी है और टेंट भी है, तब आप पिच कर लेता हूँ। और खाने का कुछ यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे है, किचन है, हमारे पास बन जाता है, तो हाँ तो पिच करके फिर सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी टेंट पिच करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। अभी मैंने टेंट पिच कर दिया है अपना पूरा, हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, सो इसलिए मैंने साइड से भी लॉक कर दिया है टेंट को पूरा, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ माय स्लीपिंग बैग, तो मैं आज रात को तो कट जाएगा टेंट पिच करने का। मैंने वही 200 चार्ज किया है, ठीक है यार, एटलीस्ट होटल से तो अच्छा है यार। फिर होटल में मैं इसलिए भी नहीं जाता हूँ कि एक तो ओवर प्राइस है, एक मैं बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो बजट ट्रैवलिंग से होता क्या है, मतलब कि फिर मेरा बजट ऊपर ऊपर जाने लगता है। और ये पूरा ट्रिप बिहार टू कश्मीर मैंने ट्रिप बनाया है, प्लान कितने में वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, और अब कल मिलते हैं, बस बहुत थक गया हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड बिहार टू कश्मीर। सो अभी हम हैं जिशपा, यहाँ पे मैंने कल कैंप किया था, सो ये देखो पूरा मैसी सा हो रखा है। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था यार, तो कल वहाँ पे ट्रैक भी किया, मोनेस्ट्रिक गया भी नहीं, यहाँ आके फिर कैंप लगाया, भैया से परमिशन लिया था तो 200 बहन लिया। और ये देखो पूरा व्यू है ना, प्यारा व्यू। तो अभी सब पैक करते हैं, देन उसके बाद फिर मिलते हैं। आज मेरे को कोविड रिपोर्ट चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं, तो पता चला है भैया से कि मेरे को वापस केलोंग जाना होगा, जो कि 20 किलोमीटर है, तो अब देखते हैं कैसा सीन बनता है। क्योंकि फिर यार देखो, सीन ये है कि लद्दाख जाके फिर वापस आना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, 300 प्लस किलोमीटर है, तो हिचहाइक करते तो नॉट पॉसिबल, वहाँ से मेरे को कहीं और निकलना भी है, तो डैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पीछे जाऊँगा, यही ऑप्शन है मेरे पास, उसके बाद मैं रिपोर्ट देखता हूँ हॉस्पिटल्स क्या है, क्योंकि मनाली में हो रहे थे कोविड टेस्ट बट मैंने नहीं करवाया, वो मेरी गलती है। बिकॉज बहुत लोग से सुना था कि रैपिड टेस्ट भी हो रहा है तो वो भी चल जाएगा, या फिर आपने वैक्सीन लिया है तो प्लीज़ आप लोग भी आ रहे हो, क्योंकि ले गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ की पुलिस भी, तो सो प्लीज़ जब भी आप आओ ले। तो अभी तो कंपलसरी है RT-PCR टेस्ट, आज है डेट 14, तो फिर मिलते हैं हम लोग फ्रेश होके। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, अभी मैं जिसपा में था और अभी मैं जा रहा हूँ आगे द्राचा एंड देन आफ्टर बारालाचा। तो मैं कल वहाँ पे कैंप किया था, और ये रहा भैया का मतलब कैंप, इन्होंने मतलब मेरे को स्पेस दिया था, तो बाय बाय बोलने का टाइम, बाय बाय भैया बाय बाय, मैं निकल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ निकलता हूँ फिर। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग जाएंगे ना लिफ्ट, तो ठीक है, बाय बाय, स्टे प्रोवाइड करवाने के लिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी, थैंक यू। आपका क्या नाम है, सब्सक्राइब कर लेते हैं, नक्श नोमैड नक्श। तो फिर मिलते हैं किसी अजनबी के साथ रोड पे, बाय बाय। क्या हाल है। सो हम लोग निकल पड़े हैं अभी द्राचा की ओर, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर्स है, तो अभी वहाँ से स्नैक्स वगैरह पैक करवा लूँगा, क्योंकि उसके बाद कुछ खाने का ऑप्शन अभी है नहीं दूर दूर तक, और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं रहेगा, तो फिर मिलते हैं द्राचा में। अभी गाड़ी भी नहीं चल रही है यार, पूरा रोड खाली है आज, देखते हैं क्या होता है। इसे देखो, ये भी हमारे साथ कल रात था, चलो चल कम ऑन। सो
ये हमारे साथ जाते हुए, और ये देखिए व्यू भाई वहाँ पे। कल पता चला है बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है ऊपर, तो इसलिए मैंने कैप वैप सब पहन रखा है। अब ट्रैक स्टार्ट हो गया है लेह की ओर निकल पड़े हैं। कोई भी मुश्किल आए, कितना भी मुश्किल आए, जाना तो है। सो स्टे कनेक्टेड, अभी अपडेट देता रहूँगा। हिचाइक देखता हूँ, अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी बज रहे हैं 11, और एक भैया को मैंने कांटेक्ट किया था, मेरे को केलोंग नहीं जाना पड़ा, बिकॉज केलोंग पता है 22 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर हो जाता अप एंड डाउन, तो इसीलिए मैं नहीं गया केलोंग। एंड केलोंग नहीं जाके मैं एक भैया को कांटेक्ट किया, वो RT-PCR मेरे को बनवा के दे देंगे, मे भी दे दे, अभी शॉर्ट ही नहीं है, देंगे तो बहुत बेटर होगा। तो उसी के पर्पज़ से अभी धीरे 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 मूव करूँगा, बिकॉज दारचा के बाद नेटवर्क नहीं रहता है। सो इट्स और बहुत ठंड हो रही है, ठंड हवा चल रही है। जूले बाय बाय। चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चॉकलेट चाहिए? लो आप ले लो। जा रहे हो आप? मैं ले जा रहे हो? हाँ। आज ही स्टे करने गया? नहीं, मैं यहाँ पे स्टे किया था आज, यहाँ पे कैंप में। अच्छा, अभी ले जा रहा हूँ। थैंक यू, बोलो थैंक यू। बाय बाय बाय। ट्रक तो आ रही है, देखते हैं। नहीं रोकी और कोई नहीं भाई, मज़ा आ रहा है। चॉकलेट मैंने ले लिया था, दिल्ली से ही लिया था, बच्चे लोग को देने के लिए ले लद्दाख में। अच्छा लगता है यार जब वो खुश होते हैं, स्माइल देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरा पता नहीं साउंड क्वालिटी आएगा या नहीं, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है ले लद्दाख में, और मेरे पास माइक भी नहीं है, तो स्टिल आप लोग बताना वीडियो कैसा रहेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, कुछ नहीं छुपा हुआ है आप लोग से। सो स्टिल ये भी देखो, ये दौड़ रहा है हम लोग के साथ। ठीक है फिर, बाय बाय, मिलते हैं किसी अजनबी के साथ। ओ भाई गाड़ी रुक गई है, कहाँ जाओगे भैया? हाँ, राजा जाना है मेरे को भी।